नमस्कार आप सबका इस ज्ञान दर्शन की सीरीज़ में स्वागत है मेरा नाम समीर रहेजा है और आज हम बात करेंगे एग्जिट ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं सब्सक्राइबर्स को एन में एग्जिट होने के बाद मतलब जैसे कि एन में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उन लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता कि इन्वेस्ट करने के बाद में उन्हें पेंशन कैसे मिलेगी तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स हैं अगर वो एन में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको सुपर एनुवेशन के बाद में एन से एग्जिट होने के बाद में क्या क्या विकल्प मौजूद हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड से कि एन में निवेश करने के बाद एन एक शॉर्ट फॉर्म है नेशनल पेंशन स्कीम का जिसे हम शॉर्ट में एन पी भी कहते हैं तो एन में इन्वेस्ट करने के बाद में पेंशन कैसे मिलती है क्या ये पेंशन आपकी साठ वर्ष की आयु या आपकी सुपर एनुएशन के बाद ऑटोमेटिक मिलनी शुरू हो जाती है या फिर ये पेंशन के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं तो मैं इस बात में आपको क्लैरिफाई कर दूं कि पेंशन जो मिलती है पेंशन मिलती है आपके एनुविटी परचेज करने से जब एक सब्सक्राइबर एनुटी को परचेज करता है तब उसे अपनी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है वो पेंशन मंथली हो सकती है वो पेंशन ईयरली हो सकती है वो पेंशन क्वार्टरली भी हो सकती है तो ये सब चुनाव आप लोग खुद कर सकते हैं कि आपको कौन सी पेंशन किस अवधि के लिए चाहिए लेकिन ऑटोमेटिकली साठ वर्ष पूरे होने के बाद में आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होंगी कि क्या आप उस वक्त पेंशन लेना चाहते हैं या आप उस वक्त पेंशन नहीं लेना चाहते आप चाहते हैं तो आप एन में निवेश कर सकते हैं और उससे जुड़े रह सकते हैं और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एन में जो निवेश करने की आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 75 वर्ष कर दी गई है अब एक व्यक्ति 75 वर्ष तक भी एन में निवेश कर सकता है और अपनी धनराशि को उस एन में लगा सकता है साठ वर्ष के बाद भी एन का अकाउंट खोला जा सकता है लेकिन अकाउंट खोलने के लिए जो अवधि है वो सत्तर वर्ष की अवधि है तो आप सत्तर वर्ष की अवधि तक अकाउंट खोल सकते हैं और पचहत्तर वर्ष की आयु तक उस अकाउंट को आप एक्टिव रख सकते हैं जिसके बाद आप पेंशन का लाभ उठा सकते हैं अब इसमें जो जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो पहला ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है नॉर्मल एग्जिट नॉर्मल एग्जिट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है जो कि नॉर्मली लोग चुनाव कर लेते हैं जैसे कि अब माना जाता है कि साठ वर्ष की आयु हो गई आप रिटायर हो गए हैं तो आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी तो इसमें एक सब्सक्राइबर उस जो धनराशि उसने इन्वेस्ट करी है एन में उसका साठ प्रतिशत अमाउंट जो है वो निकाल लेता है उसे हम लमसम कहते हैं और 40 परसेंट का जो अमाउंट है वो एनविटीज में इन्वेस्ट होता है जिसके तहत आप लोगों को पेंशन मिलती है तो ये तो एक नॉर्मल सा एक सिनेरियो हो गया जहां पर एक इन्वेस्टर अपना नॉर्मल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है कि वो उसमें एग्जिट करता है एनपीएस से एग्जिट करता है और वो अपना 60 प्रतिशत लमसम ले लेता है और 40 परसेंट की वो एनविटी ले सकता है लेकिन इसमें एक विकल्प और मौजूद है वो चाहे तो 40 परसेंट से अधिक का भी एनविटी परचेस कर सकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको 40 का ही करना है वो 40 से अधिक का भी एनविटी परचेज कर सकता है इसमें दूसरा विकल्प जो मौजूद है वो है कंटिन्यूएशन का सो so, कंटिन्यूएशन uh, का मतलब है कि आप एग्जिट नहीं कर रहे एन पी से आप उससे अभी भी जुड़े हुए हैं कंटिन्यूएशन आप कर सकते हैं आप पचहत्तर वर्ष की आयु तक उस एन के अकाउंट को रख सकते हैं तो कंटिन्यूएशन करने के लिए आपको बस सिर्फ एक चीज करना ज़रूरी है कि आपको एन अकाउंट के खाते में अपने पैसे जमा कराते रहना है तो आपका जो एनपीएस का अकाउंट है वो एक्टिव रहेगा तो जमा करने के लिए आ, मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्ट टू कीप योर अकाउंट एक्टिव आप चाहें तो इससे ज्यादा भी निवेश कर सकते हैं बट ये एक मिनिमम अमाउंट है जिसका निवेश आपको करना ही पड़ेगा अगर आप कॉन्टिन्यूशन का ऑप्शन लेते हैं आप एन से एग्जिट नहीं करते हैं तो ये ऑप्शन वो सब्सक्राइबर्स चूज कर सकते हैं जिन्हें लगता है कि अभी मुझे धनराशि की आवश्यकता नहीं है मेरे पास और सोर्सेज ऑफ इनकम अवेलेबल हैं तो अभी मैं रुक सकता हूँ या मुझे अभी पाँच साल बाद सात साल बाद मुझे आवश्यकता होगी तो मैं अभी इस अकाउंट को एक्टिव रखता हूं और अपने जमा पूंजी को बढ़ने देता हूं ताकि जब मैं इससे एग्जिट करूं तो मुझे इसके रिटर्न्स इससे ज़्यादा मिले जो आज मिल रहे हैं तो ये तो उन सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वह डेफरमेंट डेफरमेंट भी काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन कह सकते हैं हम लोग इसमें आप डेफर कर रहे हैं डेफर कर रहे हैं मतलब आप कोई भी जमा पूंजी नहीं निकाल रहे एनपीएस से आप एग्जिट नहीं हो रहे हैं आप अपना अकाउंट रखना चाहते हैं लेकिन ये कंटिन्यूएशन से डिफरेंट इस तरीके से होगा कि इसमें आपको कोई भी जमा करने की आवश्यकता नहीं है जिसमें कंटिन्यूएशन में आपको एक हजार रुपये प्रति माह प्रति प्रति साल आपको जमा करना है तो यहां पर वो आवश्यकता नहीं है आप इस अकाउंट को बिना किसी कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना किसी धनराशि के जमा किए हुए भी कंटिन्यू रख सकते हैं डेफरमेंट में सो so डेफरमेंट और कंटिन्यूएशन में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि आप कंटिन्यूएशन में कॉन्ट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा और आप उस अकाउंट को एक्टिव रखेंगे डेफरमेंट में आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है आप उस अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं बिना किसी कॉन्ट्रीब्यूशन किए हुए तो सब्सक्राइबर चाहे तो तीनों में से कोई भी विकल्प ले सकता है एट द एज ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन और सिक्सटी एज द केस में बी देन वी टॉक ऑफ़ फर्स्ट ऑप्शन दैट इज नॉर्मल एग्जिट जैसे कि मैंने बोला नॉर्मल एग्जिट है तो नॉर्मल एग्जिट में आपको 60 प्रतिशत लमसम मिलता है 40 परसेंट की एनुअटी परचेस करनी होती है अब इसमें भी एक सब्सक्राइबर के पास में ऑप्शन अवेलेबल है अगर तो आपकी धनराशि उस एन अकाउंट में पाँच लाख रुपये या उससे कम है अगर एन अकाउंट में पाँच लाख रुपये या कम से उसकी धनराशि है तो आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हैं आपको उसके अंदर कोई भी साठ प्रतिशत या चालीस प्रतिशत निकालने की या एडवर्टीज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर सब्सक्राइबर चाहे तो वो 40 परसेंट या 60 परसेंट का चयन कर सकता है और अगर ना चाहे क्योंकि उसकी धनराशि पाँच लाख रुपए से नीचे है तो वो पूरा का पूरा पाँच लाख रुपए निकाल सकता है दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जहां पर उसकी धनराशि पाँच लाख रुपए से ज्यादा है अगर उसकी धनराशि पाँच लाख रुपये से ज्यादा है तो उसको मैंडेटरली उसको अनिवार्य रूप से ही साठ प्रतिशत और चालीस प्रतिशत का चयन करना पड़ेगा जिसमें जैसे मैंने पहले बताया कि साठ प्रतिशत का लमसम मिलेगा और चालीस परसेंट इन्वेस्ट होगा ताकि उसे एनविटीज़ मिल सकें जो एनविटीज अगर हम नॉर्मल भाषा में भी कहना चाहें तो उसे पेंशन मिले और रेगुलर इनकम मिले जिससे कि वो अपनी आने वाली लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नॉर्मल एग्जिट अब हम बात करते हैं हमारे पास में बाकी करे हुए विकल्प की जिसमें एक विकल्प है कॉन्टिन्यूएशन का कॉन्टिन्यूएशन में जैसे मैंने बताया कि आप अभी पैसा नहीं निकालना चाहते हैं आप अभी उसमें निवेश रखना चाहते हैं और आप उसमें और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंटिन्यूएशन उन सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें कंटिन्यूएशन में आप 75 वर्ष की आयु तक इस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं और आप कभी भी चाहें पचहत्तर वर्ष की आयु से पहले जैसे कि आपने साठ वर्ष की आयु में इसको कंटिन्यू किया तो आप बासठ वर्ष की आयु पैंसठ वर्ष की आयु सत्तर वर्ष या पचहत्तर वर्ष से कभी भी पहले भी आप उस धनराशि का निकास कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको पचहत्तर वर्ष के बाद ही वो ले अमाउंट लेना है अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप साठ वर्ष के बाद कंटिन्यूएशन या डेफरमेंट का ऑप्शन लेने के बाद भी उस धनराशि का निकास कर सकते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पचहत्तर साल तक आपको अकाउंट एक्टिव रखना ही पड़ेगा ये आपके पास में एक चॉइस अवेलेबल है उस अकाउंट को आगे एक्सटेंड करने के लिए और इसमें जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी जब आप उसे एक्सटेंड करते हैं जब आप अपने अकाउंट को एनपीएस अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो आपको जो फैसिलिटीज एज अ नॉर्मल अकाउंट मिल रही थी सुपर अनुएशन की एज से पहले मिल रही थी वही सारी फैसिलिटीज़ आपको बाद में जब आप उस अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं बाय वे ऑफ अ कंटिन्यूएशन और डेफरमेंट ऑल द फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल टू यू सो यू हैव ऑप्शन टू कंटिन्यू डेफर और टू हैव अमल एग्जिट ऑल्सो और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो फायदा है एक कॉन्टीन्यूएशन के ऑप्शन को चूज करने का वो फायदा है कि आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं एन पी आपको देता है टैक्स बेनिफिट्स जो अगर आप साठ वर्ष की आयु के बाद उसमें निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स की धारा के तहत आप उसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट टैक्स एग्जेम्पन्स का बेनिफिट भी उठा सकते हैं अब हम बात करते हैं कंटिन्यूएशन का प्रोसेस क्या है कंटिन्यूएशन के प्रोसेस में आपको अपनी सुपर एनुवेसन के पंद्रह दिन पहले ये एक ऑप्शन है जो एक्सरसाइज करनी है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब्सक्राइबर उस ऑप्शन को चूज़ करना भूल जाता है वो अभी स्टेज निकल गई उसने पंद्रह दिन पहले एक्सरसाइज नहीं किया वो साठ वर्ष का हो गया या वो सुपर एनुवेट हो गया तो उस स्थिति में क्या होगा उस स्थिति में उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा टिल द एज ऑफ सेवेंटी फाइव ईयर्स बिकॉज वी आर टॉकिंग हिस्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स वी आर टॉक ऑफ नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स सो इन द केस ऑफ़ नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स द अमाउंट इन द एनपीएस अकाउंट गेट्स ऑटोमैटिकली कंटिन्यूड इट डजेंट गेट डेफमेंट तो आपका आप अगर कोई भी चयन नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ही कंटिन्यू हो जाएगा अगले पचहत्तर जब तक आपकी आयु पचहत्तर वर्ष की नहीं होती है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपका अकाउंट कंटिन्यू हो गया है तो फिर भी आप उसमें से अपना अमाउंट निकाल सकते हैं कभी भी लेकिन द ओनली कंडीशन ऑफ एन अकाउंट गेटिंग कंटिन्यूड इज दिस यू नीड टू इन्वेस्ट इन द एन पी एस अकाउंट मिनिमम ऑफ वन थाउजेंड रुपीज एवरी ईयर एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन इन्वेस्ट मोर देन वन थाउजेंड ऑल्सो इन दैट एंड विल ऑल्सो गिव यू द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ द टैक्सेज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट नो वी टॉक ऑफ डेफरमेंट जैसे कि एक हमने विकल्प के बारे में बात करी थी डेफरमेंट जहां पर आपको कोई भी धनराशि जमा करने की जरूरत नहीं है आप अपना अकाउंट एक्सटेंड करना चाहते हैं साठ वर्ष या सुपर एनुएशन के बाद तो इसमें आपके पास में विकल्प है कि आप एनुटी का और लमसम का आप दोनों का डेफरमेंट कर सकते हैं आप आपको लगता है कि मुझे अभी जरूरत नहीं है और मैं इस एमाउंट को अपने एन अकाउंट में रखना चाहता हूं तो उस उस स्थिति में आप उस अकाउंट को डेफर कर देते हैं कि आपने लमना लमसम लिया ना आपने इसमें एनवटी ली दूसरा विकल्प अंडर अंडर द केस ऑफ अ डेफरमेंट द सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल इज यू डेफर ओनली द एनवटी कि पेंशन का जो अमाउंट है आपने उसे डेफर किया है लेकिन आपने लमसम ले लिया है आपने साठ प्रतिशत का जो अमाउंट है वो आपने विदड्रॉ कर लिया और चालीस प्रतिशत का जो अमाउंट है जिसके तहत आपको पेंशन मिलनी है वो आपने विड्रॉ नहीं किया है उसको डेफर किया है यह भी एक विकल्प। अवेलेबल टू एनी ऑफ द सब्सक्राइबर्स। देन देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ डेफर लमसम ओनली सो इन दिस केस जब हम डेफर लम्सम की बात करते हैं उस सिनेरियो में एक सब्सक्राइबर है जिसने एनवटी या पेंशन का चयन कर लिया है कि मुझे पेंशन चाहिए लेकिन जो लमसम अमाउंट है मैं अभी उसे निवेश करना चाहता हूँ और अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है तो अपनी फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से ये चयन लिया जा सकता है कि आप इस डेफरमेंट में भी कौन सा ऑप्शन लेंगे क्या आप दोनों चीज़ें डेफ़र करना चाहते हैं क्या आप सिर्फ एनअी डेफर करना चाहते हैं या क्या आप सिर्फ़ लमसम डेफर करना चाहते हैं सो so, इसके लिए आप ही सबसे अधिक समझदार हैं जिस जो जिसका चयन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का भी हेल्प ले सकते हैं ताकि आप इसमें बेहतर चुनाव कर सकें अब हम बात करते हैं एन के एक और फीचर की जो है एन पी एस टीयर टू अकाउंट अभी तक जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं वो सारे टीयर वन अकाउंट के बताए हैं जहां पर आपके पास में लॉक इन होता है कि आप साठ वर्ष के बाद ही एक ऑप्शन का एक्सरसाइज करते हैं लेकिन NPS आपको एक और एक और और ऑप्शन देता देता है है विकल्प एनपीएसन अकाउंट का टू का अकाउंट अकाउंट मतलब ये है कि आपके पास में एक ऑलरेडी है और आप उसके बाद एक टीयर टू अकाउंट खोलना चाहते हैं टीयर टू अकाउंट बिना टीयर वन अकाउंट के नहीं खोला जा सकता तो अगर आप चाहते हैं कि टीयर टू अकाउंट खोलें तो उसके लिए आपको टीयर वन अकाउंट का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है तो अभी हम समझते हैं कि टीयर वन अकाउंट एंड टीयर टू अकाउंट में डिफरेंस क्या है दोनों में अंतर क्या है टीयर वन अकाउंट आता है आपका लॉक इन के साथ में कि आपको निवेश करना है एंड इट इज मोर ऑफ अ पेंशन ड्रिवन कि आपको पेंशन चाहिए एंड टीयर टू अकाउंट आता है जहां पे आप सिर्फ अपना निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास में कोई लॉक इन अवेलेबल नहीं है आपने आज पैसा जमा किया और कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे निकालना है तो आप उस टीयर टू अकाउंट से निकाल सकते हैं टीयर टू अकाउंट खोलने का एक फ़ायदा और है कि जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आप देते हैं टीयर वन अकाउंट के लिए वो टीयर टू अकाउंट में देने की ज़रूरत नहीं है सो so, टीयर वन के अकाउंट के दिए गए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के तहत ही आप टीयर टू अकाउंट कंटिन्यू एंड ऑपरेट रख सकते हैं देन टीयर टू अकाउंट में एक फ़ायदा और है कि आप इसमें सेपरेट नॉमिनेशन कर सकते हैं टीयर वन अकाउंट का नॉमिनेशन आप किसी के फेवर में कर सकते हैं टीयर टू का टीयर टू अकाउंट का नॉमिनेशन भी आप किसी और के फेवर में कर सकते हैं तो इस तरीके से आप एन में दोनों अकाउंट चाहें तो खोल सकते हैं टीयर टू अकाउंट साठ वर्ष के बाद भी खोला जा सकता है और इसे भी पचहत्तर वर्ष की आयु तक कंटिन्यू किया जा सकता है लेकिन अगर आप टीयर टू अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो वो अकेले क्लोज नहीं हो पाएगा उसके लिए आपको टीयर वन अकाउंट क्लोज़ करना पड़ेगा और टीयर वन अकाउंट अगर आप क्लोज़ करते हैं तो टीयर टू अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा वो अपने आप में नहीं रहेगा तो इस बात का ध्यान आप हमेशा रखें जब भी आप टीयर टू में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप टीयर वन अकाउंट को क्लोज़ करते हैं तो टीयर टू अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा अभी हम बात कर रहे थे एनवटीज़ की जिसके तहत आपको बहुत सारी एनविटीज़ मिल सकती हैं मंथली क्वार्टरली ईयरली जो भी आप चाहें वो मिल सकती हैं तो इसके तहत हमारे पास में बहुत सारे एनविटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो पीएफआरडी ने ऑथराइज़ करे हैं देर आर थर्टीन एनविटी सर्विस प्रोवाइडर्स विच आर ऑथोराइज़ बाई पी एफ आप इनमें इनमें से किसी के पास भी अपनी एनविटीज़ का चयन कर सकते हैं Uh, ये ये एनअी सर्विस प्रोवाइडर्स आई uh, से भी रजिस्टर्ड रहते हैं एंड पी एफ इनको ऑथराइज करता है कि इन सब हम जो एन पी सब्सक्राइबर्स हैं वो इन थर्टीन एनअटी सर्विस प्रोवाइडर्स से अपनी एनविटी परचेज कर सकते हैं जो कि उन्हें पेंशन के रूप में मिलती है अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनविटीज़ कि एनविटीज कितने टाइप की हो सकती है पहली अगर बात करें एनविटी फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मतलब कि आपने एनविटी परचेज करी है और आपको रेगुलर पेंशन मिलेगी लेकिन जो एनुटी का अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है एनुटी सर्विस प्रोवाइडर के पास में वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा आपके पूरे जीवन काल में आपको पेंशन मिलेगी एनुटी सर्विस प्रोवाइडर से लेकिन जो अमाउंट इन्वेस्टेड है एनुटी सर्विस प्रोवाइडर के पास में वो आपको अमाउंट नहीं मिलेगा देन एनुटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस दूसरा ऑप्शन है कि आपको एनुटी या पेंशन मिलेगी और आपके आपकी मृत्यु के बाद में जो आपका पैसा निवेश रहेगा वो आपके नॉमिनी को मिलेगा तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प अवेलेबल है आपके पास में एनवटी फॉर लाइफ विदाउट परचेज प्राइस एनुअटी फॉर लाइफ विद परचेज प्राइस देन द दे थर्ड ऑप्शन इज एनुअटी फॉर जॉइंट लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस इसमें क्या है कि आपको पेंशन मिलेगी आपके जाने के बाद में आपके स्पाउस को मिलेगी पेंशन और आपके स्पाउस स्पाउस को जो पेंशन मिलेगी वो पचास परसेंट या फिर वो सौ परसेंट हो सकती है कंप्लीट भी हो सकती है फिफ्टी भी हो सकती है यह डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है जो एनुटी सर्विस प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करते हैं तो आप इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन चूज कर सकते हैं एंड द कंटिन्यूएशन लाइक द विल कंटिन्यू टू गेट द पेंशन आफ्टर यू द विल कंटिन्यू टू गेट द पेंशन लेकिन जो अमाउंट एनोटीज के लिए इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट नहीं मिलेगा आपको पेंशन मिलेगी आपके जाने के बाद में आपके स्पाउस को पेंशन मिलेगी देन द फोर्थ ऑप्शन मतलब है, है थोड़ा सा different है जो पहले एक्सप्लेन किया है आपको मिलेगी पेंशन आपके बाद में आपको स्पाउस स्पाउस को मिलेगी और उसके बाद में स्पाउस के जाने के बाद में जो नॉमिनी है उस नॉमिनी को पूरा का पूरा अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो मिल जाएगा इनकम एन पी एस फैमिली इनकम में आपके पास में विकल्प है कि आपके जाने के बाद में आपके स्पाउस को मिलेगा पैसा स्पाउस के बाद में आपके डिपेंडेंट मदर को मिलेगा डिपेंडेंट मदर के बाद में डिपेंडेंट फादर को मिलेगा तो इस तरीके से आपके जाने के बाद में आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आप कोई भी एनिटी सर्विस प्रोवाइडर से दी गई इन सभी पाँच पाँच के अलावा भी और भी बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो एनुअटी सर्विस प्रोवाइडर्स आपको बहुत सारे और भी विकल्प बताएंगे जिससे आप अपनी एनविटीज़ का यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना पेंशन पा सकते हैं अब सवाल आता है कि एनविटी या पेंशन बोलें तो पेंशन कितनी मिलेगी पेंशन उतनी मिलेगी जितना एनविटी सर्विस प्रोवाइडर का रेट होगा ये एक डिसाइडेड रेट होता है जो डिसाइड होता है एंड दिस इज द फिक्स्ड रेट एक्चुअली दो फिक्स्ड होता है जो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर लगता है और ये अमाउंट फिक्स रहता है अब आप मान लो कि आपने दस या पंद्रह साल पेंशन ली तो ये फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर ही आपको मिलेगी इस अमाउंट में ना तो इंक्रीज हो सकता है ना इस अमाउंट में डिक्रीज हो सकता है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको Uh, कितनी पेंशन मिलेगी तो देर इज़ अ एनविटी कैलकुलेटर विच इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द सी आर ए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज की वेबसाइट पर एक कैलकुलेटर अवेलेबल है अगर आप जानना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट्स पर जाकर आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं uh, अब बात करते हैं कि टैक्स बेनिफिट्स जैसे कि मैंने पहले बताया कि एन आपको टैक्स बेनिफिट्स भी ऑफर करता है सिक्सटी परसेंट का जो आप लमसम विड्रॉ करते हैं एनपीएस के अकाउंट से वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है अगर आप सुपर एनुवेट होते हैं आपका जो भी अमाउंट बनता है एनपीएस का उसमें से 60 परसेंट आप निकालते हैं वो 60 परसेंट इज कम्प्लीटली एग्जेंट फ्रॉम टैक्स रेस्ट 40 परसेंट जिस जिस जो आप इन्वेस्ट करके एनुटीज लेते हैं दैट इज ऑल्सो एग्जेंट फ्रॉम टैक्स बट द एनुटीज दैट यू गेट जो आपको पेंशन मिलती है वो आपकी टैक्स लैप के हिसाब से टैक्सीबल हो सकती है सभी केसेस में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी पेंशन मिलती है आपका किस टैक्स लैब में आते हैं अगर आप उस टैक्स लैब में आते हैं तो वो अमाउंट जो का पेंशन के रूप में आपको मिलता है वो टैक्सेबल हो सकता है टैक्स रिडक्शन ऑफ वन लाख इन्वेस्टमेंट अप टू रुपीज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इन दी एन पी एस इज ऑल्सो एक्ट फ्रॉम टैक्स अगर आप रिटायरमेंट के बाद अगर अपने एन अकाउंट को कंटिन्यू रखते हैं तो डेढ़ लाख रुपए तक के निवेश के ऊपर आपको एन में निवेश के ऊपर आपको टैक्स एग्जैम्पन मिलती है इसके अलावा पचास हजार रुपये की अतिरिक्त पचास हजार रुपये की अतिरिक्त टैक्स एग्जैम्शन भी मिलेगी आपको अगर आप एन में उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो सो जो पचास हजार रुपये के निवेश पर आपको टैक्स एग्जेम्शन मिलेगी ये ओवर एंड अबव डेढ़ लाख रुपये है तो अगर हम टोटल करें तो दो लाख रुपए तक के निवेश पर एनपीएस पर आपको टैक्स एग्जेम्पन रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगी और ये जो पचास हजार रुपये की अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं एनपीएस में सो ये एक्सक्लूसिव है मतलब और कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है जिसके तहत तो आप पचास हजार की अतिरिक्त टैक्स एग्जेम्शन ले पाएंगे ये जो फिफ्टी थाउजेंड का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट है ये आपको सिर्फ एनपीएस के द्वारा ही मिल सकता है अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो हमेशा पूछे जाते हैं वन इज़ अनफॉर्चुनेट डेथ मान लो कि आपने रिटायरमेंट के बाद में अपना अकाउंट कंटिन्यू किया लेकिन अब आपकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई सब्सक्राइबर की तो उस पैसे का क्या होगा तो उस पैसे का जो भी एनपीएस अकाउंट में पैसा है वो आपके नॉमिनी को मिलेगा जिस नॉमिनी का नाम आपने अकाउंट में रखा होगा अगर नॉमिनी नहीं है तो वो पैसा आपके लीगल हेयर्स को मिलेगा तो आपका पैसा आपके अकाउंट में सुरक्षित है और आपके जाने के बाद में जिसको भी आपने नॉमिनी या लीगल हेयर बनाया है ये पैसा उसको मिलेगा दूसरा आता है हम चूजिंग डेफरमेंट ओवर कंटिन्यूएशन जैसे कि मान लो कि आपने कंटिन्यूएशन का ऑप्शन एक्सरसाइज किया जैसे हम सबकी मनस्थिति स्थिति रहती है कि आज ये चूज किया लेकिन हो सकता है कि मुझे लगा कि मैंने अपना चयन गलत किया उस स्थिति में आप डेफरमेंट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं कंटिन्यूएशन के बाद में आप स्विच कर सकते हैं कि मुझे डेफरमेंट में जाना है उसी तरीके से आप डेफरमेंट के बाद में भी कंटिन्यूएशन का ऑप्शन स्विच कर सकते हैं लेकिन डेफरमेंट में अगर आपने पैसा निकाल लिया है या तो एनविटी निकाली है या लमसम निकाला है अगर आपने उस अकाउंट से किसी भी तरीके से पैसे का निकास किया है तब आप फिर उस कंटिन्यूएशन से डेफरमेंट में नहीं जा पाएंगे तो अगर आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन में स्विच करना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने उस अकाउंट से कुछ भी निकाला ना हो निकालने के बाद में आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे देन वी टॉक अबाउट चार्जेस अंडर एनपीएस कि अगर साठ वर्ष की वायु के बाद में आप उस अकाउंट को एक्टिव रखते हैं तो क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं जो चार्जेस आपके साठ वर्ष से पहले या रिटायरमेंट से पहले थे वही चार्जेस आपके बाद में भी लगेंगे जैसे कि अगर बात करें हम तो ट्रांजेक्शन चार्जेस की सो ट्रांजेक्शन चार्जेस करीबन तीन रुपये के प्रति कर पर ट्रांजेक्शन है तो वो सेम रहेंगे तो देर आर नो एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन दी अकाउंट इफ यू कंटिन्यू और डेफर दी अकाउंट आफ्टर सिक्सटी ईयर्स और द रिटायरमेंट देन अब अब सब्सक्राइबर्स काफी क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरे अकाउंट में पैसा कितना रखा है तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है आप अपने एन अकाउंट जो आपको प्रैन मिला है एन में उस प्रैन को लीजिए और सी की वेबसाइट पर जाइए सी की वेबसाइट पर जाके अपने प्रैन से लॉग करिए लॉग करने के बाद में आपको उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आएंगी उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगी व्यू योर स्टेटमेंट आप जाइए उसमें देख सकते हैं कि आपका कितना कितना कंट्रीब्यूशन किस किस समय पर हुआ था और आज उस कंट्रीब्यूशन की क्या वैल्यू है देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन दैट दैट पीपल डू आस्क्रम इज चॉइस ऑफ पेंशन फंड एंड स्कीम प्रेफरेंस जैसे कि आप एन पी एस अकाउंट जब कंटिन्यू करते हैं साठ वर्ष से पहले तो आपके पास में विकल्प अवेलेबल हैं कि आप पेंशन फंड चूज़ कर सकते हैं आप स्कीम प्रेफरेंस भी चूज कर सकते हैं तो क्या अगर कंटिन्यूएशन या डेफनमेंट करते हैं तो ये सब ऑप्शन भी अवेलेबल रहेंगे क्या ये ऑप्शंस आपके पास जरूर अवेलेबल रहेंगे एज अ सब्सक्राइबर यू विल कंटिन्यू टू हैव द ऑप्शंस ऑफ स्कीम प्रेफरेंस चेंज एंड द पेंशन फंड्स आल्सो सो इट इज नॉट लाइक दैट दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल ओनली बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ 60 इयर्स ऑफ द एज देन वी कम टू द दर क्वेश्चन लाइक अपडेशन ऑफ द नॉमिनेशन मोबाइल नंबर्स एंड द ई मेल ये ना बहुत बार देखा गया है कि अकाउंट्स में नॉमिनेशन ही अपडेट नहीं होता और सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद में उस अकाउंट को सेटल करना बहुत मुश्किल होता है कि अब किसके अकाउंट में सेटल किया जाए वो धनराशि किसको जाएगी उसके तहत डिफ़रेंट डिफरेंट क्लेम्स भी आ सकते हैं कि मुझे चाहिए पैसा कोई कहेगा मुझे चाहिए पैसा इसीलिए मेरा सभी सब सब्सक्राइबर से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने अकाउंट को खोलते हैं और जब भी उसे कंटिन्यू रखते हैं तो उसमें आप कंटिन्यूस बेसिस पर अपने नॉमिनेशन को अपडेट करते रहिए ताकि आपके जाने के बाद में पैसा आप जिसको भी चाहते हैं उस अकाउंट से पैसा उसको मिलेगा अपने मोबाइल नंबर को एक्टिवेट रखिए अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो अपने मोबाइल नंबर को अपडेट कर दीजिए अपने प्लान में जा करके। के अपने ई मेल को अपडेट करिए क्योंकि जो भी अलर्ट्स आपकी कंट्रीब्यूशन विड्रॉल से रिलेटेड है वो सारे के सारे अलर्ट्स आपके मोबाइल पर आपके ईमेल आईडी पर भी आते हैं सो so, आज हम लोगों ने यह सीखा कि किस तरीके से नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट या साठ वर्ष की आयु के बाद अपने एन अकाउंट को चाहें तो कंटिन्यू रख सकते हैं और किस तरीके से उस पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सो आई थैंक ऑल ऑफ माई व्यूअर्स फॉर गिविंग सच अ पेशेंट हेयरिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग ऑल्सो यू नो दैट इन्वेस्टमेंट इन एन पी एस इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क सो वेनएवर यू इन्वेस्ट यू प्लीज़ Bear this thing into your mind. Thanks a lot. Thank you, all the viewers.